जान तो क्या हो गया तुम्हें? लड़की लड़की क्या लड़की? हाँ वैसे जिस तरह का तुम्हारा हुलिया है तुम्हें लड़की कहना गलती होगी। ऐसा भी क्या है, लड़की लग रही हूँ? नहीं मतलब क्या बाल खुले हुए हैं, लड़कियों के होते हैं ये? लड़के पहनते हैं ऐसी चीजें? तुम लगाते हो ऐसे ग्लास ना? लड़की सारे फैशन की तो। ये जो तुम्हारी दोस्त यहाँ बैठी है तो, जिस तरह तुम घूमती फिरती हो कितनी पढ़ाकू और एक तुम हो, कुछ सीख लो इसी से। उफ अल्लाह, कंपेयर देखो किससे कर उससे। ये पढ़ लेती है ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं करती चिल, क्लास के सारे नोट्स ये बनाती हूँ, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। Got it. तुमने उससे दोस्ती भी इसीलिए की है ताकि तुम्हें नोट्स वगैरह मिल जाए, राइट? ओह माय गॉड, क्या तुम्हें मेरे दो सीन नजर आ गए? हाँ ये रहना दो। ओह शिट, चुप जा। पता तुम्हें ये सारी बातें क्यों समझ आने लगी हैं? क्योंकि तुम मेरी कंपनी हो। आई डिजर्व अ पैट। यार मुझे तो समझ नहीं आती इन लड़कियों ने इतना पढ़ लिख के करना क्या है? इनकी हो जानी शादी, फिर उन्हें पालने बच्चे, और उसके बाद हांडी रोटी। मैं तो ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तो फिर क्या करना है मैडम ने? मेरा इरादा तो मैं नहीं बता रही तुम्हें, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो रहा है कि मुझे क्या सरप्राइज मिलने वाला। बेचारा तुम्हारा होने वाला हस्बैंड, पता नहीं क्या होगा उस लड़के का। क्या हो गया, कहाँ खो गई हो? कुछ नहीं, से आज फिर से बहुत प्यारे लग रहे हो। क्या बात है, ओ जैकेट अच्छी है यार, यार नाइस कलर, मुझे दे दो। मेरे सारे कपड़े तुम ले लो, बल्कि पूरा वार्डरोब खाली कर दो जाओ। चलो पूरा वार्डरोब, दो हुडीज़ तो लिए थे पहले। बहुत ही कंजूस हो आप, कुछ खिला दो मुझे, इतनी भूख लग रही है। पता है मैंने नाश्ता नहीं किया, सोचा तुम्हारे साथ खाऊंगी। हाँ कर लिया नाश्ता? हाँ ऑफ कोर्स कर लिया। भाई आज इतनी जल्दी शक्ल नजर आ गई बरखुदार की, खैरियत तो है? कहीं आ रहे हो या जा रहे हो? भाई मेरे इस बेटे को कुछ ना कहें, इसके ही दम से तो इस घर में रौनक है, जब देखो उसके पीछे पड़े रहते हैं। अरे इनकी यहाँ पर ये हालत है तो अमेरिका जाकर क्या होगा? इस बच्चे में स्टडी के अलावा सब कुछ दिखाई दे रहा है। आप ही का फोन आ गया क्या? इसका मतलब सारी चीजें सेटल्ड है। देखो इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, अगर अमेरिका का वीजा इतना आसान होता ना तो हर कोई वहां पर पहुंचा होता। You know what? अब तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं। तुम फिकर मत करो बेटा, सब सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है, हमाद भाई ने तो कहा था चुटकी बजाती सब कुछ हो जाएगा, आखिर मैं कब तक अपने दोस्तों से मजाक उड़वाऊंगा? तो इतनी जल्दी बताने की क्या जरूरत थी, पहले कंफर्म तो हो लेने देते। अभी अलमीर की स्टडी बाकी है, मेरा इतना बड़ा कारोबार है, उसे कैसे वाइंड अप करूं? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अच्छा परेशान मत होना, पहले उज्मा की तरफ से ग्रीन सिग्नल तो आने दे। मेरी कल उससे बात हुई थी, वो कह रही थी कि कुछ टाइम लगेगा। मुझे आपसे एक और बात भी करनी थी। क्या बात करनी? वो बता रही थी कि हम सबके वीजे तो आसानी से निकल आएंगे, लेकिन अलमीर के वीजे में मुश्किल आ सकती। देखो बेगम उसके लिए परेशान मत हो, तब की तब देखी जाएगी। ये अलमीर कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। यूनिवर्सिटी गए थे साहबजादे, जब से आए यूनिवर्सिटी से ऐसे सोए कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे तो जा उठाओ, देखो टाइम क्या हो गया भाई। अच्छा जाते। हाँ आओ खाओ। क्यों नहीं, मामा ने इतने प्यार से काटे। मामा मुझे पता था आप किचन में ही होंगी। क्या क्या पकाया है? आयान दुआ ना सलाम, क्या हुआ बेटा? I'm really sorry. अस्सलाम वालेकुम। सलाम। खैर मुबारक बहन, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, इतनी भूख लगी हुई और आपको सलाम दुआ की पड़ी। भैया की पसंद के चावल बना दिए, चिकन कढ़ाई ये भी भैया की पसंद की। ओ तो कबाब भी है भैया के लिए, तो मैं ये कुछ भी नहीं ऑर्डर कर लेती। बात सुनो,
क्या हो रहा है? वो मैं ऑर्डर, कोई ऑर्डर ऑर्डर नहीं होगा, इधर मामा। लेकिन वो भी कॉल जो घर में पका है ना वही खाना है। आई इधर आओ। पर लेकिन आप, कोई लेकिन वेकिन कुछ नहीं, कल को शादी होकर ससुराल जाओगी तो क्या नाक कटवाओगी हमारी? ओह माय गॉड, इतना की सारी बातें ये ससुराल में आके क्यों खत्म होती हैं? आपको छोड़ के ना मैं कहीं जाने नहीं वाली, हमेशा आपको पास रहूंगी। लेकिन अभी जाओ फ्रेश होकर आओ और जो घर में पका है ना वही खाना है। शाबाश, जल्दी जाओ। ऑर्डर अब आप खुद करेंगी, मेरे लिए देख लेना। अभी तुम फ्रेश होकर तो आओ। कुछ नहीं खाऊंगी घर में मामा। तुमने आज फिर क्लास मिस कर दी, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक मैम ने आज डिस्कस किया था। मैं तो पता है ना मेरा, बस भैया की वजह से अपनी स्टडीज कंप्लीट करूं ना, मेरा बस चले ना, मैं तो कभी किसी बुक को हाथ भी नहीं लगाऊं। तुम नहीं सुधरोगी। और हाँ, ये लड़कों के साथ बातें करना ये भी तो बहुत जरूरी है ना? अच्छा वो क्या, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अच्छा लगता है मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना, अच्छा लड़का है वो। बस मेरे थोड़े से ही तो दोस्त हैं। और अम्मा दादी तुम इसकी फिक्र ना करो। अच्छा यार वो मुझे ना तुमसे एक काम था। जी मैं जानती हूँ कि क्या काम हो सकता है। दिल खुश कर दिया तुमने, कितनी अच्छी दोस्त है ना तुम मेरी, मतलब मैं कहूँ ना कहूँ तुम्हें पहले पता चल जाता है। अच्छा ठीक है, ज्यादा मक्खन मत लगाओ, नोट्स मैंने तैयार कर लिए, कल यूनिवर्सिटी में ले लेना। डन। कसम से तुमने मुझे खुश कर दिया, दिल करो मैं तुम्हें जोर से हग कर लूं। क्लास के बाहर मिलना ओके? अच्छा ठीक है। किससे फोन पे बात कर रही हो? यूनिवर्सिटी की दोस्त रिफत आरा। रिफत आरा जी, औलाद को सिर्फ पैदा किया या इनकी तरबियत भी कोई ध्यान है तुम्हारा? क्या हो गया है, क्यों इतना गुस्सा कर रही है आप? रात के इस पहर में ये फोन पे किससे बात कर रही है? लोगों ने अपनी औलादों को बेलगाम छोड़ दिया है। मैं हर किसी नहीं चाहूंगा कि मेरी औलाद दूसरों के नक्श कदम पर चले, समझाओ इसे। सुने आप क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं समझाऊंगी इसे, मैं कह रही हूँ ना, मैं समझाऊंगी, आ जाए। सलवा तुम्हें पता भी है कि बाबा जान को कुछ बातें बिल्कुल पसंद नहीं, खास तौर पर तुम्हारा मोबाइल इस्तेमाल करना, लेकिन फिर भी तुम कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हो जिससे उनको गुस्सा आ जाए। भाई लेकिन बस चुप हो जाओ और अपनी दोस्तों से कह दो कि रात को तुम्हें फोन मत किया करें। इसे तो कोई ना कोई बहाना चाहिए बाबा जान का मूड खराब करने के लिए। अब बाबा जान का मूड हमसे भी खराब हो जाएगा। आप जाए, जाकर देखें उनकी तबीयत ना ज्यादा खराब हो गई। सलवा कहाँ है? वो कमरे में है अपने, तबीयत नहीं ठीक थी उसकी तो मैंने ही कहा है कि आराम कर ले कुछ देर। रिफत आरा, मैंने तुम्हें हजार बार समझाने की कोशिश की है, खाने की मेज पे मुझे घर के तमाम अफराद चाहिए। मैं देख कर, तुम बैठ जाओ। इस घर के कुछ कायदे और कुछ असूल हैं जिनको मैं हरगिज किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा कि उनको तोड़ने की कोशिश करे। वैसे भी मुझे तुम्हारे बच्चों के तेवर कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं, समझा दो इन सबको मैं अपने असूलों और रिवायात की हिफाजत करना अच्छी तरह जानता हूं। मैं समझा दूंगी इन्हें, आप खाना तो शुरू करें। रात के 12 बजे के बाद घर में दाखिल होने की कोशिश मत करना, जहां दिन गुजारा हो रात भी वहीं गुजारनी है। मैं बहू को उसके महके भिजवा देता हूं। फिर
शुक्र है तुम्हारी आवाज तो सुनने को मिली। सुनो, ये क्या पाबंदियां लगाई हुई है तुमने? बाहर तुम कहीं मिलती नहीं हो, यूनिवर्सिटी में मिलने में प्रॉब्लम है, फोन पे बात करती नहीं हो, मैं और क्या करूं फिर? अच्छा बस, मैंने सोच लिया है, तुम्हें मुझसे मिलना ही होगा। हेलो, अरे आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, तुम रो नहीं। हेलो, मैं मिलूंगा ही नहीं तुमसे, मैं मिलने का कह ही नहीं रहा तुमसे। मेरी बात तो सुनो, मैं कह रहा हूँ ना नहीं मिलेंगे, बस तुम मुझसे फोन पे बात कर लो, मेरे लिए वही काफी है। वैसे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है आज। कैसी हो तुम? मैं कह रहा था कि मैं बात मत करता हूँ। बाय 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। लगता है मामा हम गलत टाइम पे आ गए। तुम पिटोगे किसी दिन मुझसे। जी आप बोले, क्या कह रही है? क्या है, नजर ही नहीं आते हो तुम, कमरे में होते हो तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते। कमरे में तनहा कहाँ होते हैं भाई, आप भी ना मामा। तुम पिटोगे मेरे हाथ से, आप इसकी बातों में मत आइएगा, ये पता नहीं कहाँ कहाँ की हाँकता रहता है। कुछ नहीं मामा, मैं बस आजकल वो एग्जाम्स होने वाले हैं तो ये स्टडी, मैं बिजी रहता हूँ पढ़ाई में। छोड़े, आप बताएं, आप ही से बात हुई आपकी? हाँ बेटा, मैं दोनों से रابطे में हूँ। हमाद अमेरिका में है और उस्मा इस्लामाबाद में, दोनों तुम्हारे वीजे के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। बस अब दुआ करो कि जल्दी से गुड न्यूज मिल जाए। तो इंशाल्लाह गुड न्यूज आ जाएगी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? हाँ बेटा मिल तो जाएगी, लेकिन उस्मा बता रही थी कि तुम्हारे वीजे को लेके कुछ मुश्किलात हो सकती हैं। इतनी छोटी सी बात है मामा, देखें जो मेरे हक में बेहतर होगा ना बस वही होगा। अगर ऐसा हो गया बेटा तो मैं तुम्हें अकेले छोड़कर जाने का सोच भी नहीं सकती अलमीर। क्यों, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, रह लूंगा यहाँ अकेला भी। और आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं अभी? अभी तो नहीं पता, शायद वीजा लग ही जाए भाई, एटलीस्ट अभी तो हम सब साथ हैं। वैसे ही मैं एक बात सोच रहा था कि आप मेरा ख्याल रखने के लिए अपनी बहू को छोड़ के जा सकती हैं। क्या मतलब, तुम्हारी शादी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बल्कि मैं ऐसा ही करूंगी और मुझे ऐसा करना चाहिए। अलबीर तुमने तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया दे दिया है, मैं आज से ही तुम्हारे लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती हूँ। अरे नहीं मम्मा, मैं मजाक कर रहा हूँ, प्रॉमिस, मैं मजाक कर रहा हूँ, उनको बोलो मजाक कर रहा हूँ। बहुत अच्छा आइडिया है मम्मा, मजाक कर रहा हूँ मैं। मार इसको जोर से, बता दे कौन कौन शामिल है तेरे साथ। बोलता क्यों नहीं है? कुछ बताया इसने? सर बहुत मारा है इसे, बहुत ही डीड इंसान है सर, बार बार अपना बयान तब्दील कर रहा है ये। अच्छा, बयान तब्दील कर रहा है, एक काम करो ना, इसे गोली मार दो। हाँ गोली मार दो इसको, फौरन गोली मार दो, हमारे तो किसी काम का नहीं है ये। अरे एक काम करना, गोली इसके दिल में मार ताकि वहीं उसी वक्त मर जाए, और उसके बाद उठाकर किसी वीराने में फेंक देना। सर, एक मिनट सर। नहीं नहीं, वक्त नहीं है मेरे पास, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है, अब एक मिनट भी तुम पर जाया नहीं करूंगा। इसको गोली मार दो फौरन। सर सर, मैं आपको सब सच सच बताऊंगा सर, मुझे मत मारो तुम लोग, मैं सच सच बताऊंगा। बयान रिकॉर्ड करो इसका, आखिरी मौका दे रहा हूं तुझे, वरना मैं अपनी जिंदगी में लोगों को इस तरह के मौके नहीं देता। इसका बयान रिकॉर्ड करो, जहां झूठ बोले वहीं गोली मारता है। घर से है मेरे, हेलो मेरा बच्चा, क्या हाल है आपका? भैया मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे, कब से मैं आपको कॉल कर रही हूँ, और आप कहाँ हैं अभी तक, घर क्यों नहीं आए? पता है मामा ने डांट डांट के मेरा तो दिमाग खाली कर दिया, जल्दी आ जाए। मेरी जान, क्या हो गया आपको? बस आने वाला हूँ,
और आप एक काम करो ना, अम्मा की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लो। मैं आऊंगा, अम्मा को आकर समझा दूंगा। जी आपको पता भी मुझे क्या कही थी? वो कही थी कि मेरे सारे वेस्टर्न कपड़े उठा के वो बाहर फेंक देंगी। यार भैया आप आके समझाओ ना, मुझे नहीं पहननी अभी वो शलवार कमीज और दुपट्टे। और आपको एक और बात बताऊं, उन्होंने मेरी गाड़ी की चाबी भी ले ली। अच्छा ना, बस बस मेरा बच्चा, आपको पता है आपका गुस्सा बिल्कुल आपके भैया जैसा है। अच्छा मेरा आपसे प्रॉमिस है, घर आते ही अम्मा को आपके सामने बैठकर समझाऊंगा, लेकिन तब तक आप जरा अम्मा को अवॉइड कर लो। भैया लेकिन जल्दी आओ। हाँ चलो बाय। ओके। मारो इसे। मार, मार, मार! कैसे नहीं बोलेगा तू? कौन कौन शामिल है? कब तक तुम मेरे नोट्स पे गुजारा करोगी? तुम्हें पता है सर को भी शक हो गया। हैंडल कर लूंगी ना मैं, छोड़ो उसको। नोट्स रेडी हैं। ओह माय गॉड, ये दो। अच्छा ये कॉपी कर लेना अच्छी तरह से, और मुझे बताओ तुम असाइनमेंट कब दे रही हो? जब तुम बना दो। वो भी मैं बना? हाँ तो तुम ही बनाती हो। क्या हो गया यार, दोस्त है ना, वो भी बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड्स। इसको फोटोकॉपी करके वापस देना। ओके डैड, पक्का प्रॉमिस। देखा उज्मा, तुम्हारे आने से कितनी रौनक आ गई है इस घर में, वरना यहाँ के सन्नाटों ने तो वहशत में डाल दिया था मुझे। और ये तीनों बाप बेटे तो अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ हो गए हैं कि इनको मेरा ख्याल ही नहीं है। बेगम इतना झूठ मत बोलो, ऑफिस के बाद सारा टाइम तुम्हें तो देता हूँ। फिर भी मामा को आपसे बहुत सारी शिकायतें रहने लगी हैं पापा। जी जी, टीवी और अखबार के बाद जो थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, वो ये मुझे दे देते, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेगम बस तुम भी तो ना बस। और दोनों साहबजादे इस घर में नजर ही नहीं आते हैं, एक अपनी स्टडी में गुम रहता है और एक अपने दोस्तों में। अच्छा ना मामा, अब मैं आ गई हूँ, आप लोगों को अपने साथ लेकर जाऊंगी और सारी शिकायतें आप लोगों की खत्म हो जाएंगी। अच्छा बेटा बताओ कि हमाद ने क्या बताया? हाँ बेटा, मैं अलमीर की वजह से बहुत परेशान हूँ। वो अभी तक कुछ कंफर्म नहीं किया पापा उन्होंने। असल में ना अमेरिकन वीजा की पॉलिसी बहुत ज्यादा सख्त हो गई है, तो अब पता नहीं उसका वीजा लगा है कि नहीं लगा, ये कंफर्म करना पड़ेगा। मतलब? इन केस अगर उसका वीजा नहीं लगता तो फिर अलमीर को पाकिस्तान में कुछ अरसा रुकना पड़ेगा। वो यहाँ कैसे रहेगा अकेला? अरे बेगम छोटा बच्चा थोड़ी है, आरजी तौर पर रहना रह लेगा वो। और बेटा तुम क्यों परेशान हो रही हो? असल में पापा मुझे दो दिन के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ेगा अलमीर के साथ, वहां जाके ही पता चलेगा कि वीजे की क्या सिचुएशन है। अगर उसका वीजा ना लगा तो? अरे आप ही कैसी हैं? कब आई? अभी अभी आई हूँ। ठीक है तुम बताओ? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे बता दिया होता मैं आपको पिक करने आ जाता यार। अब तो मैं आ गई हूँ। हमाद भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुनो, तुम तैयारी पकड़ो, तुमने मेरे साथ इस्लामाबाद जाना है दो दिन के लिए, वहां जाके तुम्हारे वीजे का पता चलेगा और कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो भी साथ लेके जाने हैं। ओके। आपने शादी पे जाना था, उसका क्या बना? नहीं मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैंने माजरत कर ली उनसे। अरे बात सुनो अयान, बेटा खाना खा लो। नो, मैंने ये नहीं खाना, मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया। बड़ी हो गई है लेकिन जिद अभी भी बच्चों जैसी करती है। बड़ी आपके लिए हुई होगी, मेरे लिए तो ये वही छोटी सी आयान जिद करती हुई आया। बस इसी की कमी रह गई थी। असल में ना इसको बिगाड़ने में सारा हाथ तुम्हारा है, तुम्हारा बस से लेना तो अपनी वर्दी भी उतार के इसको पहना दो। देखो वहाज, मैंने पहले भी बताया है ना कि लड़की जात है, इतनी ढील देना अच्छी बात नहीं है। कोई ऐसी ढील नहीं दी है मैंने उसे, और वैसे भी वो इतनी बड़ी नहीं हुई है जितनी आप बात कर, छोटी बच्ची है। इस उम्र की लड़कियों की ना शादियां हो जाती हैं, और ये लड़की घर के किसी काम में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। ना अम्मा क्या हो गया, खाना ठंडा हो रहा है, खाना खाइए आप, जब शादी का वक्त आएगा तब देखा जाएगा। दाल पकाइएगा।
उफलमीर मैं पूछ पूछ के थक गई हूँ, अब तो बता दो इस्लामाबाद क्यों जा रहे हो? अरे कुछ काम है ना मुझे। तुम्हें ऐसा क्या जरूरी काम है जो तुम्हें इस्लामाबाद जाना पड़ रहा है? तुम कुछ सरप्राइज भी रहने दिया करो। अलमीर तुम अच्छी तरह से जानते हो मुझे सरप्राइज बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो अब शराफत से बताओ क्यों जा रहे हो। जहर लग रहे हो मुझे। अब नहीं बताऊंगा, जाओ। ओके, तो मैं सच में नाराज हो चुकी। अरे मजाक कर रहा हूँ, बैठो ना। जल्दी से बता दो ना, क्यूरियोसिटी हो रही है, अब जल्दी बोलो। बता रहा हूँ, एक मिनट। वो आप ही ने फैमिली माइग्रेशन के लिए अप्लाई किया था ना, तो उसमें सबके इंटरव्यू की कॉल आ गई है, मेरी भी आ गई है, इसीलिए जाना पड़ रहा है इस्लामाबाद। हम सब जा रहे हैं ना। कहाँ? अमेरिका। तुम मतलब तुम अमेरिका जा रहे हो? हाँ, सबको बता दो, तुम बैठ जाओ। तुमने कहा तुम अमेरिका जा रहे हो? पूरी बात सुन लोगी मेरी? फैमिली इंटरव्यू की कॉल आ गई है, सारी फैमिली का शायद वीजा लग जाएगा, लेकिन मेरे वीजे में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो शायद मेरा जाना मुश्किल है। तो इतनी बड़ी बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था, बट तुमने इमोशनली ब्लैकमेल करके सब पूछ लिया। तो तुम हमेशा के लिए जा रहे हो? भाई मैं बता तो रहा हूँ, सब जाएंगे, मेरे वीजे में कॉम्प्लिकेशंस है, मेरा जाना इम्पॉसिबल है। मैं तो बस वैसे ही अपनी फैमिली को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं नहीं जा सकूंगा। पर वैसे भी यार मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा, मेरा तो सब कुछ यही है, यही आसपास, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें क्या हुआ, कहाँ खो गई? वादा करो तुम कभी नहीं जाओगे नालवी। इसमें वादा करने वाली क्या बात है, मैंने तुमको बताया ना, मेरी बहनों से बात हुई। अम्मी आ ही रही थी कसम से। ठीक है कि इम्तिहान होने वाले हैं, लेकिन इतना भी क्या पढ़ाई को सर पे सवार कर लिया तुमने? आखिर क्या करोगी इतना पढ़ के? आपा की बेटी हमना को देखो जरा। अम्मी हमना की तो बात ना करें मुझसे, उसने तो इंटर इतनी मुश्किल से पास किया, खाला जान ने ना उसको बिगाड़ के रख दिया। बरदार ऐसे नहीं कहते, कजन है तुम्हारी और पढ़ इसलिए नहीं सकी कि माफाक भाई के हालात ही नहीं थे ऐसे, और तुम्हारे बाबा बहुत नाराज हैं तुमसे। तुम जानती हो ना अपने असूलों के वो कितने पाबंद हैं। ये जो तुम आए दिन खाने की मेज से गायब रहती हो ना, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। फौरन आओ। हाँ मिल गई तुम्हें फुर्सत कमरे से बाहर आने की। बड़ी भाभी हूं मैं तुम्हारी, अपना एटीट्यूड जाकर किसी और को दिखाओ। खुद ही सवाल कर रहे हैं और खुद ही जवाब दे रहे हैं। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं पागल हूँ, खुद से बातें कर रही हूँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। पता है तुम्हें बहुत अजीब होती जा रही है। बाबा जन सही कहते, यूनिवर्सिटी जाकर तुम्हारा दिमाग ज्यादा ही बिगड़ा। वैसे इसलिए कहते हैं क्योंकि लोग उनके कान भरते हैं। क्या मतलब? आप करती हैं सब कुछ, आप उनके दिल में जहर भरती हैं मेरे लिए। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? नहीं भाभी, यह हकीकत है। बाबा जान मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप उनका दिल खराब कर रही हैं मेरे लिए, आप उनके कान भरती हैं। ओ मामा, आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? अपना हाल देखें, क्या कर लिया आपने? हालिया, हालात के तकाजों को समझो प्लीज। मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ, और तुमने तो कहा था कि सब सही हो जाएगा। मामा हमाद ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, नहीं हुआ, इसका हमें भी अफसोस है।
मैं अलमीर के बगैर कैसे रहूंगी, और ये खुद हम सबके बगैर कैसे रहेगा? अम्मी क्या हो गया आपको, कोई बच्चा हूँ क्या? मैं रह लूंगा। अलमीर बिल्कुल ठीक कह रहा है, अब ये बच्चा नहीं है, अपनी जिम्मेदारियां ये खुद संभाल सकता है। और वैसे तो मैं इसमें इजी फील करूंगा ये ना जाए। देखो इतने बड़े कारोबार को इतनी जल्दी समेटना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा है कि एग्जाम के बाद ये मेरे कारोबार को देखेगा और मैं इजी भी रहूंगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ना जाएं? नहीं बेगम, हमारा जाना जरूरी है, दामाद का मसला है और फिर उसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप भी है, और एक नई ब्रांच खुलने वाली है जहाँ मेरा और उसका होना बहुत जरूरी है, और इतने अरसे के लिए तो तुम लोगों को मैं छोड़ भी नहीं सकता ना। अच्छा मैं तुम लोगों के लिए खाना लगवाती हूँ, जाके फ्रेश हो जाओ। ओहो मामा हम फ्रेश हैं, मुझे तो भूख नहीं है। अलमीर तुम खाओगे खाना? नहीं मुझे भी नहीं। अच्छा मेरे जहन में ना एक आइडिया है। क्या? क्यों ना हम अलमीर की शादी कर दें? अरे कैसे तुम ठीक रही हो, माँ के पल्ले से निकलकर बेगम के पल्ले से बन जाएगा। अच्छा आप ही ऐसे नहीं तो वैसे सही, और हम दोनों में आपको मैं ही नजर आ रहा हूँ, इसकी करने शादी मुझे नहीं करनी अभी। नहीं नहीं तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम तुम्हारी शादी कर देते फिर मैं भी तुम्हारी तरफ से बेफिक्र हो जाऊंगी। भाई अब आप तैयारी पकड़े। भाई ठीक है, अभी हमारे जाने में वक्त है, मगर इतने कम अरसे में लड़की ढूंढना मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। तुम लोग ऐसा करो, लड़कियां देखना शुरू कर दो, अब हम अलमीर की शादी कर ही जाएंगे। ठीक है मामा, वो खाला से बात करते हैं ना। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। लेकिन मेरी बात तो सुने आप, मेरी कोई बात सुन लेगा? जी जी, वो लड़की एक्चुअली लड़की मैंने देखी। क्या? वाह भाई वाह, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। तभी मैं कहूँ इसका दिल क्यों नहीं कर रहा, इसको अफसोस ही नहीं है ना जाने पर। ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ तुम्हारी माँ ने रो रो के बुरा हाल कर लिया है और साहबजादे ने लड़की पसंद भी कर ली है, इसका मतलब तुमने जाना ही नहीं था। अरे नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं। कौन है वो? अभी मैं कह रहा हूँ ऐसी कोई बात नहीं है, इनफैक्ट अभी तो उसको पता भी नहीं है कि मैं यू नो। भाई अच्छा है, अलमीर ने अपनी जिंदगी गुजारनी है और अगर अपनी पसंद के साथ जिंदगी गुजारेगा तो और भी अच्छी बात है, और तुम तो शुक्र करो इसने तुम्हारा बोझ हल्का कर दिया है। अलमीर अब जल्दी से बहू के घर ले चलो। पापा थोड़ा टाइम तो दे मुझे आप, अभी तो मैंने उसके सामने इजहार भी नहीं किया है। भाई मुझे तो दिखा दो कौन है कैसी है। हाँ भाई मुझे भी देखना अपनी भाभी को। यार तुम तो चुप करो, ऐसी कोई लंबी चौड़ी लव स्टोरी नहीं है मेरी। हाँ हाँ अब तो आप यही कहेंगे। आप ही मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन अब लगता है कि शायद उसे बताना पड़े, उसे पता नहीं है। यान सही से काटो। चलो ये भी खराब करवा दिया, मुझे नहीं हो रहा। हाँ तुम्हें लड़कियों वाले काम क्यों आएंगे, तुम्हें तो दोस्तों के साथ बाइक चलाना और बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलना जो पसंद है। भाई मुझसे नहीं हो रहा ये, मैं नहीं कर। खबरदार खबरदार जो कहीं गई, पूरा काटो, आजो शाबाश जल्दी काटो। यार मामा मुझसे नहीं हो रहा, खुद कर लेना। अभी तुम्हें रात का खाना भी बनाना है। मैंने सॉरी। देखो तुम्हें आगे दूसरे घर भी जाना है, जरा लड़कियों वाले काम सीख लो। भैया भैया ये देखो, ये वो औरत जो मुझ पे जुल्म कर रही है, देखो। क्या क्या? टमाटर का कत्ल करवा दिया यार मुझसे। आप उसकी बात है, जो तुमने टमाटर के साथ किया है जुल्म करना तो बनता है। क्यों आप मेरी बहन के पीछे पड़ी रहती हैं, इतनी मासूम सी छोटी सी। मेरा बच्चा आपका यहाँ किचन में कोई काम नहीं। मैं यही कब से कह रही हूँ इनको। हाँ इससे पहले कि आप कोई और काम खराब करो आप जाओ अपने रूम में। आई नो चलो जाओ। अयान बात सुनो बेटा, आज तुमने ये क्या किया, क्यों इतना इसको सर पे चढ़ाया हुआ है बेटा, आगे इसके लिए मुश्किल हो जाएगी। अरे कुछ मुश्किल नहीं होगी, अब बिला वजह उसको लेके परेशान हो रही है, अभी बहुत छोटी है वो, थोड़ा वक्त लगेगा ठीक हो जाएगी।
आप बिना वजह उसके पीछे पड़ी रहती हैं। बस मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज़। अच्छा बेटा बात तो सुनो, खाना तैयार है, बस थोड़ी सी देर लगेगी। बिल्कुल भूख नहीं है, मैं जाकर थाने में ही खाना खा लूंगा। बाय। ओके, अल्लाह हाफिज़। हेलो, मैंने कितनी दफा कहा है बिला वजह मत फोन किया करो, पर तुमने कहाँ सुना। हाँ करूंगी बात, पर इतना आसान नहीं है ना, जानती हूँ जानती हूँ। अगर आज बात नहीं की तो पछतावे मेरा मुकद्दर होंगे। ठीक है करती हूँ। कैसी जा रही तुम्हारी पढ़ाई? अच्छी जा रही है बाबा जानी, अब बस एग्जाम्स होने वाले हैं तो उनकी तैयारी कर रही हूँ। आप चावल लेंगे? सलवा के रूम से मुसलसल मोबाइल की बोल, तुम्हें मालूम है बाबा जान कैसा है, फिर भी तुम मोबाइल ऑफ नहीं करती रहती। पानी कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया है, यूनिवर्सिटी की दोस्तियां यूनिवर्सिटी में ही रखा करो। हमने अगर तुम्हें परमिशन दी है पढ़ने के लिए, उसे हमारी कमजोरी हरगिज़ मत समझना। खबरदार, आइंदा अगर रात को तुम्हारा फोन बजा तो सलवा, क्या बात है बेटे, यहाँ क्यों खड़ी हो ऐसी अकेली? अम्मी वो आपसे बात करनी थी कुछ। क्या बात है? सलवा क्या बात है बोलो। मैं किसी को पसंद करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। खबरदार, क्यों अपने और मेरे लिए मुश्किलें पैदा कर रही हो? तुम जानती हो ना अपने बाबा को, अपने भाई को, अगर उन्हें भिनक भी पड़ गई ना तो जिंदा दफन कर देंगे हमें। प्लीज एक बार बाबा जान से बात करके देख ले। हाँ बात करूं और अपनी इज्जत का जनाजा निकलवा दे, बस भूल जाओ इस बात को यहीं और अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, समझी? अम्मी एक बात तो तय, बाबा जान को मेरी बात मानना पड़ेगी, वरना वरना क्या? वरना मैं अपनी जान दे दूं। आस्ते आस्ते नींद खत्म होती जा रही है, कब तक खाऊंगा मैं ये गोलियां, जाने कब आएगी चैन की नींद। आप भी तो परेशान हो जाते हैं जरा सी बात पे, जाहिर है ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है और आपकी नींद अपने साथ ले जाता है। मत लिया करें इतनी टेंशन, ये कहीं की अकलमंदी है, आपकी सेहत बहुत कीमती है हमारे लिए।
एक जरूरी बात करनी थी, अगर आप जा सकते हैं। बोलिए। पहले आप वादा करिए मुझसे कि आप नाराज नहीं होंगे। बताएं प्लीज। वो सलवा पसंद करती है किसी को, वो लोग हमारे घर आना चाहते हैं हमसे मिलने। रिफत आरा, इस बात को यहीं दफन कर दो और समझा दो अपनी लाडली को, और हाँ, कल से उसका यूनिवर्सिटी जाना भी बंद। मैं समझा दूंगी उसे, बल्कि समझाया भी था। ये तो सिर्फ आपको आपके इल्म में लाना चाहती थी बात, इसलिए कही। आप परेशान ना हो।